हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, मतलब नशा मुक्ति विशेषज्ञ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि जो डिप्रेशन की जिनको प्रॉब्लम होती है, OCD की जिनको प्रॉब्लम होती है, पैनिक डिसऑर्डर की जिनको प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी की जो प्रॉब्लम होती है, जो एंजाइटी के ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स से हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, ऐसी एंटी डिप्रेसेंट डाइट कौन सी है जिसका हम सेवन करके हम हमारे जो डिप्रेशन है उसको क्योर कर सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं, पैनिक से बाहर आ सकते हैं और हमारे जो OCD है इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कौन सी डाइट का सेवन करें? दोस्तों, अगर आप हमसे ऑनलाइन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो हर संडे सुबह 10 से 11 बजे के बीच में, जो हमारा फेसबुक पेज है डी आर के टी वी, जैसे यूट्यूब चैनल है वैसे ही हमारा फेसबुक पेज है DRKTV नाम से। आप उसको लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हर संडे 10 से 11 के बीच में हम लोग लाइव डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ डाइट कौन सी यूज करें, एंटी एंजाइटी जो डाइट है, एंटी डिप्रेसेंट जो डाइट है वो कौन सी होती है। दोस्तों, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूं कि ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, दोस्तों जो एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है, जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जो OCD की प्रॉब्लम है, जो पैनिक की प्रॉब्लम है, इनमें एक बहुत ही कॉमन हार्मोन होता है, एक कॉमन न्यूरोकेमिकल होता है जिसकी कमी हो जाती है, मतलब जिसका अमाउंट कम हो जाता है, वो न्यूरोकेमिकल कौन सा है? सीरोटोनिन। हमारे ब्रेन में जैसे ही इस सीरोटोनिन न्यूरोकेमिकल की अमाउंट कम होती है, ये ऑप्टिमम से कम होता है, नॉर्मल से कम होता है, तो हमारे साथ में एंजाइटी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो हम जितनी भी दवाएं यूज करते हैं वो दवाएं जनरली SSRI कैटेगरी की होती है। SSRI का मतलब क्या होता है? सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये सारी दवाएं सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ाती है, जो सीरोटोनिन है की मात्रा बढ़ाती है। जैसे ही सीरोटोनिन बढ़ता है, हमारे अंदर जो एंजाइटी गायब हो जाती है, पैनिक गायब हो जाता है, डिप्रेशन गायब हो जाता है, OCD गायब हो जाता है और हम हैप्पीनेस फील करने लगते हैं। जब भी आपके अंदर सीरोटोनिन, ये तो कम होने पर ऐसा होता है, और सीरोटोनिन नॉर्मल हो या सीरोटोनिन ऑप्टिमम हो तो हम हैप्पीनेस फील करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। तो दोस्तों, ये जो सीरोटोनिन है, ये सीरोटोनिन कहां से बनता है ये भी थोड़ा सा बता देता हूं। एक एमिनो एसिड होता है, अभी एमिनो एसिड क्या होता है? दोस्तों, हम जो भी खाना खाते हैं ना, उसमें बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो उसके अंदर फैट होती है, एक उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, और तीसरा जो होता है उसके अंदर प्रोटीन्स होती है। जो प्रोटीन्स होती है वो इन्हीं एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है, हम दो तरह के एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, एक तो एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है? जो हमारी बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं, मतलब जिनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। और एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? जिनको हमें डाइट के साथ लेने की जरूरत पड़ती है, जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते। तो उसी में से जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, उसी में एक अमीनो एसिड होता है जिसको बोलते हैं ट्रिप्टोफेन। मतलब जो हम डाइट यूज करते हैं उस डाइट के अंदर जो ट्रिप्टोफेन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता जनरली, इसको बाहर से डाइट के रूप में लेना पड़ता है। तो ये जो ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड है, ये ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड ही हमारे अंदर सीरोटोनिन का फॉर्मेशन करता है। मतलब जो ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड है, वो अमीनो एसिड ही हमारे अंदर हैप्पीनेस हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, जो ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड है। याद रखिएगा दोस्तों, ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड वही अमाइनो एसिड है, वो हमारे अंदर क्या करता है? सीरोटोनिन का फॉर्मेशन करता है। सीरोटोनिन बढ़ता है, सीरोटोनिन बढ़ेगा तो आपकी एंजाइटी गायब, आपका पैनिक गायब, डिप्रेशन गायब, आपका OCD गायब। दोस्तों, इन सब चीजों में आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट फील होता है अगर हम ट्रिप्टोफेन हमारी डाइट के अंदर
बढ़ा ले। तो दोस्तों ऐसी कौन से डाइट है, ऐसा कौन सा खाना है जिसके अंदर ट्रिप्टोफैन बहुत ज्यादा होता है, मतलब अगर आप बाहर से कोई भी फूड ले रहे हो, कोई भी डाइट ले रहे हो, अगर वो डाइट ट्रिप्टोफैन से रिच है, अगर वो डाइट ट्रिप्टोफैन उसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो आपके अंदर सीरोटोनिन बढ़ेगा, सीरोटोनिन बढ़ेगा तो आपकी एंजाइटी गायब हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा खाना, ऐसी कौन सी डाइट है जिसमें ट्रिप्टोफैन है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। दोस्तों हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर, जैसे मैं फ्रूट्स में अगर आपको बताऊं तो जैसे पाइनएप्पल है, जो पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल के अंदर ट्रिप्टोफैन है वो बहुत ज्यादा रिच मात्रा में होता है। जो बनाना है, केला है, केले के अंदर भी जो ट्रिप्टोफैन है वो रिच मात्रा में होता है। अगर हम टमाटर की बात करें, टमाटर में भी जो ट्रिप्टोफैन है वो बहुत ही रिच मात्रा में होता है। जो हम सूखे मेवे खाते हैं, जैसे आप जो काजू, बादाम, अखरोट, ये जो होते हैं इनके अंदर ट्रिप्टोफैन रिच मात्रा में होता है। इसके अलावा कुछ सीड्स जैसे सूरजमुखी के जो बीज हैं, सूरजमुखी के जो बीज है उनमें भी ट्रिप्टोफैन रिच मात्रा में होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप पाइनएप्पल अगर खाते हो, केला खाते हो, टमाटर खाते हो, काजू खाते हो, बादाम खाते हो, अखरोट खाते हो, सूरजमुखी के जो बीज है वो खाते हो, इनके अंदर जो ट्रिप्टोफैन है वो बहुत ही रिच मात्रा में होता है। जैसे आप इन डाइट्स का सेवन करते हो तो ये आपके अंदर ट्रिप्टोफैन सप्लाई करते हैं, ट्रिप्टोफैन है वो हमारे अंदर सीरोटोनिन का लेवल बढ़ा देते हैं। जैसे सीरोटोनिन बढ़ता है, आपका जो एंजाइटी वाला पार्ट है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन के अंदर जैसे एग है, एग के अंदर ट्रिप्टोफैन काफ़ी रिच मात्रा में होता है। सालमन फिश आती है, एक मछली होती है जिसका नाम सालमन है, उसके अंदर जहाँ जिससे हमको सालमन ओमेगा 3 वो मिलता है, तो ये जो एग है इसके अंदर ट्रिप्टोफैन रिच मात्रा में होता है, सालमन फिश के अंदर होता है, टर्की के अंदर होता है, ये जो होते हैं ये ट्रिप्टोफैन रिच डाइट है। इसके अलावा जो दूध और जो पनीर है, जो वेजिटेरियंस के अंदर ये जो दूध और पनीर आता है, दूध एंड पनीर, ये भी ट्रिप्टोफैन से रिच मात्रा में होता है। तो दोस्तों अगर आप अपनी डाइट के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड करते हो, अगर आप वेजिटेरियन हो, आप जैसे पाइनएप्पल का सेवन करते हो, केले का सेवन करते हो, टमाटर का सेवन करते हो, काजू बादाम अखरोट का सेवन करते हो, कुछ बीज जैसे आप सूरजमुखी के बीज है इनका अगर आप सेवन करते हो, इसके अलावा जैसे दूध और पनीर है इसके अंदर भी ट्रिप्टोफैन काफ़ी रिच मात्रा में होता है। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, जैसे आप एग यूज़ करते हो और अगर आप टर्की का मीट यूज़ करते हो या फिर आप जो सालमन फिश है उसका सेवन करते हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे अंदर ट्रिप्टोफैन को बढ़ाती है। और जैसे ही हमारे अंदर ट्रिप्टोफैन बढ़ता है, अगर हमारी डाइट में ये चीज़ें इंक्लूडेड है, तो ये हमारे अंदर ट्रिप्टोफैन की सप्लाई करती है। जो नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड है उसे कैटेगरी का नहीं है, यह है एसेंशियल अमीनो एसिड कैटेगरी का। ट्रिप्टोफैन जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड है इसकी सप्लाई हमारे बॉडी में होती है, सीरोटोनिन बनता है और आगे का पार्ट आपको बहुत अच्छे से पता है। तो दोस्तों अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, पैनिक से बाहर निकलना चाहते हो, फोबिया से बाहर निकलना चाहते हो, ये जो मानसिक जो परेशानियां इन सब चीज़ों से अगर आप दूर होना चाहते हो और आप अपने डाइट के अंदर जो मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो आप अपने डाइट के अंदर कुछ ये चीज़ें भी इंक्लूड करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन चीज़ों को भी शामिल करें, ताकि आपके अंदर ट्रिप्टोफैन की अमाउंट बढ़े और ट्रिप्टोफैन की अमाउंट आपके अंदर सीरोटोनिन का लेवल बढ़ाए और आप इन सब चीज़ों से दूर हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय